नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले कड़वी बात यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आप चाहे कितने बड़े पोस्ट पो हो, कितने बड़े पैसे वाले हो या कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन शरीर आपका रोगी है तो आप योगी नहीं है। शरीर का कोई मतलब नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो आपका जीवन आरोग्यमय रहे और शरीर में बीमारी आए नहीं, इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ये बहुत सिंपल है। पहली, मैं रोज योग करूंगा, चाहे प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, आसन करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, योग करूंगा और योगाहारी बनूंगा। योगाहार यानी कि आहार के नियमों का पालन करूंगा। मैं चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन नहीं खाऊंगा, बिना प्यास का पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं रोज बिना पकाई हरी पत्ती जूस या चटनी के रूप में हर रोज भोजन में शामिल करूंगा। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पे पैर नहीं रखूंगा। मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरी फैमिली के ऊपर और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़े सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ योगाहार यानी कि आहार का योग के हिसाब से आहार, आहार का इंजीनियरिंग जिसको मैं प्राकृतिक डाइट पद्धति, प्राकृतिक आहार पद्धति कहता हूँ, नेचुरल डाइट सिस्टम भी कहता हूँ और योगाहार भी कहता हूँ। तो आहार का इंजीनियरिंग में हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं कि हरी पत्ती हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो बॉडी को मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और सबसे ज्यादा हरा रंग जो कि क्लोरोफिल हम बोलते हैं उसको, ये हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन, नेचुरल खून और नेचुरल सबसे ज्यादा पोषक तत्व आपको पत्तियों से कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ, क्योंकि वो खाने की बातें आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। तो आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी क्यों आती है कि जो लोग बिना चबाया पकाया खोराक यानी कि एसिडिक खोराक जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करते और ज्यादा खाते हैं तीनों टाइम, और इससे क्या होता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है। जो खोराक खाया वो एसिडिक होता है और पकाया खोराक कैलोरी वाला हो जाता है, वो शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है पकाया खोराक खाने से, तो इसके कारण आपको बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है जब आप चबा चबा के खाते हो, आपके खुराक में कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक ज्यादा रखते हो तो पोषक तत्व मिल जाते हैं, चबा के खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है, शरीर में कचरा इकट्ठा होता नहीं है, बीमारी आती नहीं है। बीमारी जाती है तो कचरे से बीमारी आई है, माल न्यूट्रिशन से बीमारी आई है, तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो, नियमित या तो हर हफ्ते उपवास किया करो या तो हर रोज एक टाइम का उपवास करो, मेहनत करो, सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करो तो आप तीनों टाइम खा सकते हो, मेहनत नहीं करते हो तो 3 टाइम नहीं खाना है। मजदूर लोग ज्यादा खाए, शहरी लोग कम खाए, और हरी पत्ती खाते रहिए किसी भी फॉर्म में, तो शरीर में बीमारी आएगी नहीं, बच जाओगे। बीमारी आ चुकी है तो डेयरी प्रोडक्ट, किसी भी प्राणी का दूध में से बनी हुई हर चीज छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट का काम है शरीर की जैसी प्रकृति वैसी बीमारी बढ़ाएगा। कफ वाले का कफ बढ़ता है, पित्त वाले का पित्त बढ़ता है, वायु वाले का वायु बढ़ता है। तो डेयरी प्रोडक्ट का काम है कफ पित्त वायु बढ़ाना
और बीमारी की जड़ है कपित वायु। जो खुराक कपित वायु बढ़ाए वो कभी बीमारी ठीक नहीं होने देगा। तो ये पांच आरोग्य के पंचामृत भी आपको याद रखने। कल हमने एक प्रश्न देखा था, पैनक्रियाज श्रिंक हो छोटा हो रहा है, क्या करे? तो हमारे शरीर में पैनक्रियाज का क्या महत्व है, क्यों बिगड़ता है, उसको ठीक करना है तो क्या करे, वो सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी थी। आपको बाकी है देखना तो देख लीजिए कृपया। और आपके ग्रुप में जो मित्रों है जिसको भी डायबिटीज की समस्या है उन सबको भेज दीजिए, तो वो भी अपनी समस्या ठीक कर सकते हैं। आज का सवाल है, एक भाई पूछ रहा है, एनडीएस वाले को वजन बढ़ाना है तो क्या करें? एनडीएस वाले का वजन नहीं बढ़ता है, बहुत पतले दुबले हो जाते हैं। तो एनडीएस में ऐसा क्या खाए, क्या ध्यान रखे कि वजन बढ़े? तो एनडीएस में कच्चा खाने वाले में सबसे ज्यादा समस्या कोई बड़ी है तो यही है, वजन कम हो जाना। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, कच्चे पे ही रहते हैं, इतने दुबले पतले हो जाते हैं, हड्डियां दिखती है और हैरान परेशान हो जाते हैं। फैमिली वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर इतने दुबले पतले हो जाते हैं और इतने जिद्दी हो जाते हैं लोग कि नहीं, मैंने तो मेरे गुरु ने बताया है कच्चे पे ही जीना है। अरे वो कच्चे पे जी रहे, आप क्यों कच्चे पे जी रहे हो? कच्चा खाने का उद्देश्य क्या है हमारा? हमारा पहले तो ये उद्देश्य होना चाहिए, हमारा खुराक का उद्देश्य क्या है? अच्छा, हम खुराक खाते हैं जीने के लिए या खाने के लिए जी रहे हो? बस यही समझ लो, हमारा उद्देश्य है खुराक का जीने के लिए, ठीक है। दूसरा, शरीर में बीमारी नहीं रहनी चाहिए, ये मेन है। हम बीमारी न रहे इसके लिए तो खुराक खा रहे, बीमारी आए नहीं, शरीर को काम की शक्ति मिल जानी चाहिए और शरीर में रिपेयरिंग काम होता रहना चाहिए। शरीर का काम है छोटे बच्चे से लेके बड़े होके फिर बूढ़े होके अंत तो है ही, लेकिन हम जितने साल जिए, 100 साल जिए, तो शरीर में बीमारी नहीं रहनी चाहिए और इतने दुबले पतले भी नहीं रहना है कि लोग जो के देख के हंसे और शर्म अनुभवे। तो ये हमारा उद्देश्य सॉल्व होना चाहिए। तो हमको खाने में, खुराक खाने में आनंद आना चाहिए, हमारा शरीर जो है वो मीडियम दिखना चाहिए, नहीं दुबले पतले दिखना है, नहीं मोटे दिखना है, मोटे भी नहीं दिखना है। तो पर्पज क्या है? पर्पज यही है, हमको अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है, तो इसके लिए रास्ते तो बहुत है, आप चल के भी जा सकते हो, साइकिल लेके भी जा सकते हो। अब चल के जाओगे तो महीना लग जाएगा, अच्छा साइकिल लेके जाओगे तो 15 दिन लग जाएंगे, अच्छा आप गाड़ी लेके जाओगे तो 2 दिन, ये 24 घंटे या 30 घंटे में पहुंच जाओगे, अच्छा ट्रेन में चले जाओगे तो 10-12 घंटे में पहुंच जाओगे और विमान में जाओगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? अहमदाबाद से बॉम्बे जाना। तो हमारा भोजन करने का उद्देश्य क्या है कि हम 100 साल जिए, बिना बीमारी से जिए, शरीर में बीमारी आनी नहीं चाहिए, बस यही तो हमारा उद्देश्य है। नहीं कि ऐसा कि भाई पूरी दुनिया के पूरे शाकाहारी प्राणी कच्चा खा के जी रहे, मैं भी कच्चा खा के जीऊं और भले लोगों को जो कहना है वो कहे, घर वाले को जो कहना है कहे, ऐसा क्या मतलब है? और ऐसा ही करना है तो जंगल में चले जाइए, क्यों रहते हो घर में लोगों के साथ? शरीर इतना पतला नहीं होना चाहिए, इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए, हमको मीडियम रहना है, नहीं दुबले नहीं मोटे, ठीक है। तो एनडीएस करने वालों में सबसे ज्यादा कोई समस्या होती है तो यही होती है, सारे लोग दुबले हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? इसकी सिंपल सा कारण है, सिंपल सा कारण है, आप जब कोई चीज कच्ची खाते हो, अब कच्ची खाई कौन सी जा सकती है? देखिए सिंपल सी बातें हैं, आप पत्ती कच्ची खा सकते हो,
सब्जी, फल, कंदमूल, सलाद, ये सब आप कच्चा खा सकते हो। अच्छा, अनाज कठोर आप कच्चा सीधा नहीं खा सकते हो, क्यों? उसको खाना है तो आपको स्प्राउट करना पड़ेगा, अंकुरित करना पड़ेगा, तभी आप खा सकते हो, इसके अलावा नहीं खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप सीधा खा सकते हो, वो सीधा खा सकते हैं। तो ज्यादातर जब हम कच्चा खोराक खाते हैं तो पत्ती, सब्जी, फल आता है और कंदमूल ज्यादा, ये चार चीजें हम ज्यादा खाते हैं कच्चे में। अब ये चार चीज जो खा रहे हो, एक तो वजन में हल्के है, पानी में तैरने वाले हैं, एक कंदमूल ही ऐसा है जो पानी में बैठता है, वजन वाला है, बाकी पत्ती, सब्जी, फल सारे पानी में तैरते हैं। अब जो खोराक पानी में तैरता हो वो शक्ति नहीं देता है, वो मैं बार बार बताता हूँ आपको, वो शक्ति नहीं देता है। अच्छा, शरीर में, शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, वजन बढ़ाने के लिए कैलोरी वाला खोराक चाहिए। अब आप खाई, अब आप ये कच्चा खा रहे हो पत्ती, सब्जी, फल, तो इसमें शक्ति कम है, बहुत कम है। दूसरा, इसमें वजन बढ़ाने वाली चीजें नहीं होती है। और तीसरा, सबसे ज्यादा पानी का पोर्शन होता है ये कच्चे के अंदर। तो 70 से लेके 95% पानी होता है। अब आप 1 किलो कच्चा भोजन करो, पत्ती, सब्जी, फल 1-2 किलो खाओ, तो इसमें 80% तो पानी है। तो आपने 2 किलो में भोजन तो हुआ बहुत कम, बाकी तो क्या जो गया, पानी ही गया। तो ये कच्चा खाने से जो क्वांटिटी जाती है, रियल क्वांटिटी खुराक की, ये बहुत कम जाती है। इसके कारण हमारा शरीर का बॉडी बढ़ता नहीं है, दुबले पतले ही रहते हैं। एक बकरा होता है ना, तो पूरे दिन में तगारा भर के इससे भी ज्यादा पत्तियां खा जाता है, तभी वो अपना बॉडी मेंटेन कर पाता है। क्या आप इतना खा सकते हो? हमारा जठर इतना बड़ा नहीं है साइज, शरीर के हिसाब से, कि हम ज्यादा तगारा भर के पत्ता खा सके। तो ये मानसिकता बदलो। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जो स्टमक है वो दूसरे शाकाहारी प्राणियों की साइज के हिसाब से मनुष्य का जठर बहुत छोटा है। कंपेरिटिवली तुम्हें आप चेक करो तो वो काफी छोटा है। अब छोटे जठर में ऐसा खोराक डालना चाहिए कि कम खोराक में शरीर की पूरी जरूरियात पूरी हो जाए। तो कम खोराक हो, वॉल्यूम कम हो और ज्यादा ताकत मिले, ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा कैलोरी मिले, ऐसा खोराक, ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाए, ऐसा खोराक ढूंढ ढूंढ के खाना पड़े। और मगज दिया है किसके लिए? भगवान ने 84 लाख योनि पूरी करके आपको मनुष्य बनाया है, आनंद पूर्वक जीने के लिए, मजा करने के लिए तो ये अवतार दिया है। तो आपको बुद्धि दी है सब करने के लिए, तो बुद्धि चलानी पड़ेगी भी, कौन से खोराक में मुझे पेट भी भर जाएगा, शक्ति भी मिल जाएगी और न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। बस यही बातें समझनी है। और शरीर चलना चाहिए, शरीर में बीमारी आनी नहीं चाहिए, बीमारी आए ऐसा खोराक खाना नहीं है, बस ये लॉजिक तो चलाओ कम से कम। तो जो लोग एनडीएस में दुबले पतले हो गए है, उसके पीछे अपना मगन नहीं चलाते है। उन्होंने बोल दिया कच्चे पे ही रहो, कच्चे पे ही रहो। क्या कच्चे पे ही रहोगे? कच्चे पे ही रहोगे तो सामने ऐसा खुराक तो खाओ, कच्चे में भी ऐसा खुराक है, नहीं है ऐसा नहीं है। वजन को पकड़ के रखे ऐसा खुराक भी तो होना चाहिए, दुबले पतले होके क्या करोगे। अच्छा, शरीर को 2 प्रकार का खुराक चाहिए, एक ताकत वाला, दूसरा मेंटेनेंस के लिए। जो खुराक मेंटेनेंस करेगा वो ताकत नहीं देगा, जो ताकत देगा वो मेंटेनेंस नहीं करेगा। तो सर, आप मगज चलाते हो तो कैलोरी चाहिए, शक्ति वाला खुराक चाहिए। आपको मजदूरी करनी है तो शक्ति वाला चाहिए। जब पूरे दिन जब सुबह से जागते हो और रात को सो जाते हैं तब तक हमारा मगज तो चलता ही रहता है, वो तो शक्ति मांग ही रहा है, कैलोरी मांगता ही रहता है। तो आपको कैलोरी वाला खुराक भी चाहिए, बुद्धि चलानी है तो वो भी चाहिए, मगज को चलाने के लिए कैलोरी चाहिए, वहां न्यूट्रिशन काम नहीं आते है। और पत्तियों में क्या होता है? कैलोरी नहीं होती है। और पत्तियां खाने वाले प्राणी क्या बुद्धिशाली है? नहीं है। क्यों? मगज नहीं चला सकते है, क्योंकि वो जो एनर्जी वाला खुराक उनको वहां से नहीं मिल रहा है, मगज भी उनका इतना बड़ा नहीं है,
शरीर के हिसाब से। तो आपको आपके मगज को चलाना है तो कैलोरी युक्त एनर्जी दे ऐसा खुराक चाहिए, ठीक है। हाँ, आपके शरीर में मेंटेनेंस के लिए आपको न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जैसी मेहनत करो इसके हिसाब से आपका खुराक आपको चाहिए। ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा कैलोरी वाला चाहिए, कम मेहनत करने वाले को कम चाहिए, लेकिन जो शरीर है उसका बॉडी जो है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। इतना दुबले पतले हो जाओ इतना ऐसा खुराक नहीं खाना है। तो हमको वजन बढ़ाने के लिए क्या ध्यान रखना है, एनडीएस वाले को खास ध्यान रखना है। तो एनडीएस वाले को जो दुबले पतले हो चुके हैं उन लोगों को जो हम बीमारी निकालने के लिए एनडीएस में क्या सिखाते हैं कि भाई सुबह में एनिमा ले लो, दोपहर तक कुछ मत खाओ और दोपहर से शाम के बीच में कच्चा ही खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाइए। तो ये सिंपल सिस्टम है एनडीएस की, ठीक है, जो बीमार है उसके लिए। अच्छा, अब आप बीमार नहीं हो, शरीर में से बीमारी चली गई है, अब आपको वजन मेंटेन करना है, बीमारी आने नहीं देनी है और शरीर मेंटेन करना है। तो फिर आपको अब क्या करना है, सुबह में आपको नेचुरल कॉल आ जाए तो एनिमा लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग हर रोज एनिमा लेते हैं, कई लोग तो उनको नेचुरल कॉल नहीं आता है, तो वो लोग क्या करे, दो तीन दिन के लिए एनिमा लेना छोड़ दे तो धीरे धीरे नेचुरल कॉल आना चालू हो जाएगा दो तीन दिन में। तो पहले तो एनिमा, क्योंकि एनिमा लेते रहोगे तो वजन नहीं बढ़ेगा। दूसरा, सुबह से दोपहर तक का जो उपवास कर रहे हो वो कम कर लो, 8 घंटे के खाने का जो समय है उसको 10 या 12 घंटा कर लो, थोड़ा समय बढ़ाओ। तीसरा, वजन इस तरह नहीं बढ़ाना है कि शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाए, जेन्युइन वजन बढ़ना चाहिए, मसल्स बढ़ने चाहिए। तो जेन्युइन वजन बढ़ाने के लिए, हाँ, रोगिष्ट वजन नहीं बढ़ाना है, तो अच्छा बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको कसरत करनी पड़ेगी। सूर्य नमस्कार करो, योगासन करिए, जिम करिए, कुछ न कुछ करिए सुबह में उठ के, तो आपकी बॉडी में वेट बढ़ेगा। और ये सब करने के बाद आपको प्रोटीन युक्त और चर्बी युक्त डाइट खाना पड़ेगा और कार्बोहाइड्रेट्स वाला। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी, ये तीन जो खुराक है वो कैलोरी वाला है, शक्ति वाला है और वो वजन गेन करने का काम करते हैं। और साथ में ये अपनी शरीर की बॉडी की सिस्टम में काम करती रही, इसके लिए न्यूट्रिशन भी थोड़ा चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस भी तो मांगेगा। तो मेंटेनेंस के लिए हरी पत्ती खानी है 1-2 ग्लास, या तो एक दो बाउल हरी पत्ती के चटनी। लेकिन आपको वजन बढ़ाना है तो फिर शक्ति वाला खुराक चाहिए, ठीक है। तो कौन से खुराक में से हमको क्या मिलता है, तो प्रोटीन स्मूदीज बनाइए, घर में ही बना दीजिए आप। चना है या मूंग है, चना की दाल है, उसको पानी में भिगो के रख लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, उसको स्मूदी बन जाएगी। उसके अंदर नारियल का दूध है, बादाम का दूध है, या कोई भी दूसरी या खजूर है, ऐसा कुछ डाल दीजिए, टेस्टी बना लीजिए। तो ये प्रोटीन डाइट वाला स्मूदी बना सकते हो। वेजिटेबल्स के मिल्क बना सकते हो आप, नारियल बहुत कैलोरी वाला है, तो उसकी स्मूदी बनाओ, उसका दूध बनाइए, उसका दही बना के खाइए। राइस जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले खुराक है वो खाइए। नट्स और नट्स का बटर बनाइए आप, बादाम का दूध बना दीजिए, उसका आप बटर बना लीजिए। अच्छा, पोटेटो जैसे जो स्टार्च इसमें ज्यादा है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ऐसी चीजें भी खाइए। प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए आपको मूंग है या चने है, ऐसे भुने हुए चने, वो सब आप खा सकते हो। तो दोपहर के कच्चे के साथ भुने हुए चने खाइए। गुजरात में तो खाखरा मिलता है, मुरमुरे मिलते हैं, तो वो भी आप साथ में खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, लेकिन सूखे और फ्राई किए हुए या रोस्ट किए हुए नहीं खाने, क्योंकि वो खाओगे तो ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा रिफाइंड तेल खाओगे तो। तो ये ड्राई फ्रूट जो है उसको भिगो के खाना है, इसको सेके हुए, रोस्ट किए हुए या तो फ्राई किए हुए नहीं खाने हैं। अच्छा, होल मिलेट ग्रेन खाइए, क्योंकि मिलेट से क्या होता है, लिटिल मिलेट में फाइबर ज्यादा होता है, तो ये फाइबर के कारण क्या होता है,
आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो विटामिन्स बना के देते हैं, कई प्रकार के विटामिन जो खुराक में कहीं नहीं मिलते हैं। तो आपको होल लिटिल मिलेट पका के खाना चाहिए, एवोकाडोस जैसे फ्रूट जिसमें चर्बी ज्यादा हो ऐसे फ्रूट्स भी आपको खाने चाहिए। हाँ, कई लोगों को चॉकलेट की इच्छा होती है तो चौको, हाँ चौको जो होता है वो नेचुरल होता है, तो उसकी चॉकलेट बनाइए डार्क, तो वो आप खा सकते हो। वेजिटेबल चीज बना के खा सकते हो, हाँ आप दही बना के खा सकते हो, और हेल्दी फैट्स, हाँ जैसे तिल है, मूंगफली है, बादाम है, हाँ मूंगफली के दाने, ये सब जो है वो तेलीबिया है, तो वो आप गुड़ के साथ खाइए, खजूर के साथ खाइए, उसके लड्डू बना के खाइए, तो ये सब आपका खुराक में आपको ये मिल जाएंगे, तो ताकत भी मिलेगी, वजन भी बढ़ेगा और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ आपको रिफाइंड तेल तो बिल्कुल खाना नहीं है। हाँ, जो चीज वजन वाली है उसको आप अनाज को पका के खाइए, लेकिन चर्बी जो है वो रिफाइंड वाली तो नहीं खानी है, ये ध्यान रखना है आपको। और सुबह में उपवास कम कीजिए, या तो एक्सरसाइज करके नाश्ता कर लीजिए, दोपहर को भी खाइए, दोपहर को कच्चे के साथ है, ड्राई नाश्ते जो है खाखरा ममड़ा है, भुने हुए चने है, ये सब साथ में खाइए, या मूंगफली के दाने हैं, सूरजमुखी के बीज आते हैं, पंपकिन के बीज, तो हमारे पास जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपको वजन बढ़ा सकते हैं इसे, तो इसमें सूरजमुखी के बीज है जो कच्चे ही खाने हैं आपको, उसकी क्रश कर लो, इसकी चटनी बना दो, इसके लड्डू बना के खाइए, वैसे के वैसे पंपकिन के बीज होते हैं तो वो भी कैलोरी युक्त खुराक है, ताकत भी देता है, बॉडी में अच्छा मेंटेनेंस का भी काम कर करता है। खजूर मिलता है हमारे पास, खजूर की सिरप भी होती है, तो आप शुगर की जगह, व्हाइट शुगर की जगह ये खजूर की सिरप ले सकते हो। हाँ, गन्ने के रस का सिरप भी अवेलेबल है जिसको काकवी बोलते हैं, तो वो भी ताकत देने वाला है, शक्ति बढ़ाने वाला है, वजन बढ़ाने वाला काम करता है, और साथ में स्पिरुलिना जैसी टेबलेट जो क्लोरोफिल आपको नया अच्छा हीमोग्लोबिन बनाएगा, और स्पिरुलिना में तो रेडीमेड विटामिन भी होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, विटामिन B12 से लेके काफी विटामिन इसके अंदर होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास तो उपलब्ध ही, आप मंगवा सकते हो हमारे पास से, तो वजन बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें आपको खाते रहना है, शरीर के पास काम भी कराते रहना है, ऐसा नहीं करना है कि ज्यादा दबा के खा लिया, बिना चबा के खा लिया और पूरे दिन आराम में रहो, ऐसा मत करना, नहीं तो वजन तो बढ़ जाएगा, बीमारी भी साथ में आ जाएगी, बीमारी नहीं आनी चाहिए। हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं, साहब आप तो एकदम बढ़िया दिखते हो, नहीं बड़े मोटे हो, नहीं दुबले पतले हो, तो आप क्या करते हो? तो मैं हफ्ते में दो तीन बार कम से कम आधा घंटा जॉगिंग कर लेता हूँ, और वो भी कपालभाति के साथ, कपालभाति तो मैं हर रोज आधा घंटा करता हूँ, ठीक है? तो शरीर को तो थोड़ी कसरत देती रहनी पड़ेगी, तभी वो अच्छी बॉडी बिल्ड रहेगी। हाँ, आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो मोटापा तो हो जाएगा, लेकिन ताकत नहीं रहेगी, मसल्स वीक हो गए और वो कचरे से भरा हुआ होगा, शरीर में कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है? खुराक खाओ लेकिन अच्छी चीजें खाओ। हाँ, डबल रिफाइंड तेल हम नहीं लाते हैं, हम फिल्टर तेल ही खाते हैं, एक टाइम पकाया खा लेते हैं, दोपहर को कई बार सूखा नाश्ता भी साथ में कच्चे के साथ खा लेते हैं, और ये बारिश के मौसम में कच्चा खाने के बाद गैस होती है, तो अकेला कच्चा पानी वाली चीजें कम खाओ, तो इसके साथ सूखे ड्राई नाश्ते भी खाओ जो नुकसान न करे ऐसे, तो ये सब आपको करना है, थोड़ा शरीर को कष्ट भी देना है, एक्सरसाइज भी करनी है, प्राणायाम भी करता रहना है, और हरी पत्ती भी खाते रहना है, वजन तो आपका कम से कम मीडियम, नहीं मोटे नहीं दुबले पतले, इतना तो दिखना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि पुरुषों का वजन NDS वाले का 60 और 65 के बीच में तो मिनिमम होना चाहिए, और बहनों का वजन 55 से 60 के बीच में तो रहना ही चाहिए, वो ही आइडियल है। जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करने वाले, तो उसका वजन 65 और 70 के बीच में रहेगा तो चलेगा पुरुषों का, और बहनों का 60 के आसपास रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं, शहर में रहते हैं, मध्यम मेहनत, मध्यम
हमारी शरीर की एक्सरसाइज रहती है, तो बहनों का 55-60 के बीच में और पुरुषों का 60 और 65 के बीच में इतना वजन मेंटेन रहना चाहिए। बहुत दुबले पतले हाइट के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, तो ये तो हमारा रहना चाहिए। तो आप हमारे पास से ये बढ़िया चीजें जो है वो आप मंगवा सकते हो। हमारा प्रोडक्ट जो होती है मार्केट रेट से काफी सस्ता आपको मिलेगा, क्वालिटी में अच्छी मिल जाएगी, और हमारा संस्था का खर्चा भी यहाँ से निकलता है। जो आपके लिए ये सारा काम करते हैं, तो हम समय और पैसा दोनों को खर्च करके ही आपके साथ हर रोज जुड़ते हैं, तो हमारी संस्था का खर्चा निकल जाता है और जो जो कुछ बच जाता है तो डोनेशन में चला जाता है, चैरिटी में चला जाता है। तो आप हमारे पास से प्रोडक्ट मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। काम की बातों में, ये धंधे कभी बंद होने वाले नहीं हैं। कौन से? तो देखो, फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट का धंधा वो कौन चलाते हैं? तो युवान लोग चलाते हैं। हाँ, युवान लोग जब बुजुर्ग होते जाएंगे तो नए युवानी आ जाएगी, तो उसकी संख्या कम होने वाली नहीं है। तो फिल्म और क्रिकेट का धंधा कभी बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, धर्म का धंधा कौन चलाते हैं? तो बहने और बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बुजुर्ग, क्योंकि महिलाएं जो होती है ज्यादा आस्था वाली होती है। अच्छा, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, फिर वो उसका काम क्या है? वही तो काम है, बस धर्म के साथ जुड़ने का। तो उन लोगों की संख्या की कमी नहीं है, तो वो चलता रहता है। और पॉलिटिक्स का धंधा कौन चलाते हैं? तो गरीब लोग, गरीबों के नाम से चलता रहता है, क्योंकि गरीबी भी कम होने वाली नहीं है, पॉलिटिक्स भी कम होने वाली नहीं है, तो देश में इन लोगों की कभी कमी होने वाली नहीं है। तो ये सब चलता रहने वाला है, वो लोग नए आते रहेंगे, पुराने निकलते जाएंगे, तो ये पूरी दुनिया है वो इसी तरह चलती रहेगी। तो ये सच बात है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो योगाहार में आहार का इंजीनियरिंग ही हम समझाते हैं, तन और मन दोनों को कैसे स्वस्थ रखे उसके ऊपर ही हम बातें करते रहते हैं। कुदरत के नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। योगाहार में शरीर सफाई और शरीर का खोराक सही और सावधानी, ये तीन बातें पे ही हमारा योगाहार टिका हुआ है। और ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट, जिसमें आप क्या क्या चीज खा रहे हो, हाँ, ये सारी बातें इसमें बताई हुई है। हाँ, जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो लोग खट्टी चीजें ना खाए, ये ध्यान रहे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ एक ही चित्र में बताई हुई है। आपको नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार का पूरा कोर्स समझना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ कोर्स है, कोर्स के अंदर सारे वीडियो है, एक एक वीडियो करके देख लीजिए। और लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर सेंटर में ऑल्टरनेट दिन सेमिनार भी लगते हैं, और हर रोज 4 से 6 का मुफ्त मार्गदर्शन भी मिलता है। इसमें हम 1 रुपये का किसी के पास चार्ज नहीं लेते हैं, तो आप किसी को भी भेज सकते हो। ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगा नाम की हमारी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपको अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।